हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से मैं शुरू करने वाला हूँ जीके जीएस का एक नया सीरीज, जो कि आने वाले रेलवे में ग्रुप डी टेक्नीशियन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप जानते ही होंगे कि रेलवे जो है अपना क्वेश्चन रिपीटेड करते रहता है, और ये क्वेश्चन 90% आने की चांस है। ठीक है बच्चों, कितना 90% आने की चांस है। और ये क्वेश्चन आपको रटना नहीं है, यहाँ पे मैं ट्रिक बता दूँगा, बस आप ट्रिक देख लीजिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जब आप एग्ज़ाम में जाइएगा तो वहाँ आप क्वेश्चन देखते ही आपको ट्रिक याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है क्या है। आंवला है, तो कैसे याद रखेंगे। देखिए हम जानते हैं कि कोई भी खट्टी चीज़ होती है, कोई भी खट्टी चीज़ जो होती है उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी। ठीक है, और आंवला जो है आप खाए भी होंगे घर में, क्या होता है आंवला ज़्यादा खट्टा होता है, आंवला जब खाइएगा बहुत खट्टा लगेगा, इसलिए विटामिन सी का सबसे ज़्यादा स्रोत किसमें पाया जाता है, तो आंवला में। तो आपको जैसे वहाँ ऑप्शन देखिएगा आपको क्लिक हो जाएगा कि आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन याद हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है मानव शरीर में गुर्दों, जिसको किडनी भी कहा जाता है, का प्रमुख कार्य क्या है। ठीक है, तो गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है, तो शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। अब देखिए आप यहाँ एक वर्ड पकड़िएगा, गुर्दों, गुर्दों से एक वर्ड बनता है गर्दा। गर्दा मतलब धूल कण, आप जानते हैं घर में बहुत सारा गर्दा रहता है। अच्छा, गर्दा को आप बताइए घर में रखते हैं क्या, कि गर्दा को बाहर करते हैं, तो गुर्दों का यह भी यही काम है कि गर्दा को बाहर करना। ठीक है, और गर्दा मीन्स इंग्लिश में इसको डस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप पकड़ सकते हैं मानव शरीर में जो गुर्दा होता है किडनी, उसका प्रमुख क्या कार्य, तो गुर्दों से आप पकड़िएगा गर्दा। गर्दा क्या करता है, किसी भी जो बेकार पार्टिकल्स होता है, बेकार दर्द होता है, उसको बाहर करता है। तो क्या होता है, शरीर से बेकार दर्द को बाहर निकलता है। आशा करता हूँ आप ये भी समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। आगे किसकी कमी से रतौंधी होती है। देखिए आप पढ़े होंगे, रतौंधी एक ऐसा रोग है जिसमें रात में मनुष्य को दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि मनुष्य को एक भी चीज़ नहीं दिखाई पड़ता है। देखिए एक से क्या बना, ए से बना एक, ए से क्या बना एक, मतलब एक भी चीज़ नहीं दिखाई पड़ता है। तो किसकी कमी से रतौंधी होता है, रतौंधी का बता है, एक भी चीज़ नहीं दिखा पड़ता है। तो एक जैसे हम मेरे दिमाग में आएगा तो वहाँ पे आप क्या समझ जाएगा, विटामिन ए, एक विटामिन ए एक। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा किसकी कमी से रतौंधी होती है, विटामिन ए। जैसे आप वहाँ देखिए क्वेश्चन जब आप एग्ज़ाम में देखिएगा तो आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि हाँ सर ये बताए थे विटामिन एक, एक मीन्स ए, तो आपको क्लिक हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कर चलिए क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन वो फोर्थ क्या देखें, लिखा है खून का रंग लाल होता है। अच्छा लाल क्यों होता है, खून का रंग ये बताना है। ठीक है, खून का रंग लाल क्यों होता है, देखिए खून का रंग होता है लाल हेमोग्लोबिन के कारण। क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो आप यहाँ देखिए खून का रंग लाल होता है और लाल रंग ज़्यादा ग्लो करता है, जानते होंगे ज़्यादा ग्लो करता है लाल रंग, देखे भी होंगे। तो आप यहाँ से आप वर्ड पकड़ सकते हैं ग्लो लिखा हुआ है। ठीक है, ग्लो यहाँ पे लिखा हुआ, तो खून का रंग लाल होता है, क्यों लाल रंग ज़्यादा ग्लो करता है, इसलिए तो हीमोग्लोबिन, क्या पढ़िएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। यहाँ से आप वर्ड पकड़ लीजिएगा ग्लो, तो ये क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल है। लाल रक्त कणिकाओं को हम RBC भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, अच्छा लाल हम कैसे लिखते हैं, देखिए LAAL लिखते हैं लाल। अच्छा लाल का जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है वो कब कितने आता है, तो 12 नंबर पे आता है।
ठीक है। तो आप इसमें भी पकड़ सकते हैं कि लाल जो है 12 नंबर पे आता है, एल तो 120 दिन का होता है, ये आप पकड़ सकते हैं। वहाँ पे आप ऑप्शन भी लिखेगा तो 120 रहेगा, यह रहेगा 10 दिन, 4 दिन और या कुछ भी रह सकता 3 दिन, लेकिन आप ये एक ये वाला जो है ज़्यादा रहेगा। तो आप यहाँ देखिएगा एल से 12, ठीक है, और ये आप पकड़ सकते हैं इससे, क्यों लाल का जो है एल 12 देता है, तो ये आप क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या है 6 तो देखते हैं। रुधिर, रुधिर को देखिए कंफ्यूज मत होइएगा कि रुधिर को ब्लड कहा जाता है, खून, ठीक है। रुधिर को थक्का जमाने में सहायक करता है, कौन सा विटामिन है जो रुधिर का थक्का जमाने में सहायक करता है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो ये विटामिन के आंसर है, तो इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए के में एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, देखिए इधर से ब्लड आता है और इधर से भी ब्लड आता है, के बन गया और बीच में जाके क्या हो जाता है, बीच में जम जाता है, मीन्स थक्का जमता है, यहाँ से और बीच में क्या है, जमा हुआ चीज़ है, यहाँ पे क्या जम गया। तो अब इससे क्लिक हो सकता है कि विटामिन के यहाँ से भी रक्त जाता है, इधर से भी, और यहाँ पे क्या हो गया, जम गया। तो रुधिर को थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है, विटामिन के, तो आपको क्लिक हो जाएगा एग्जाम में देखते ही क्वेश्चन। आगे चलते हैं। रुधिर ब्लड का तरल भाग है, रुधिर का तरल भाग कौन सा ये बताना है, ठीक है। अब देखिए रुधिर क्या होता है, शरीर में बॉडी में क्या होता है, जमा होता है, कहीं से बाहर भी निकलता है क्या, नहीं, तो ये जमा रहता है, ठीक है। तो जमा से आप पकड़ सकते हैं, यहाँ वर्ड है जमा, ठीक है। तो रुधिर का तरल भाग क्या है, प्लाज्मा, कितना ईजी है, तो आपको देखते क्लिक हो जाएगा। आगे चलते हैं, आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है, देखिए इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आपको आज कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। क्या है क्वेश्चन, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है, देखिए सर्वदाता जो है वो है ओ, ठीक है, और सर्वग्राही जो है वो है ए बी, तो कैसे हम याद रखेंगे, देखिए सर्वदाता समूह कौन है, कैसे याद रखेंगे, सर्वदाता मतलब सबको, दाता मीन्स होता है देना, सबको देता है, ठीक है, सबको, जिसका भी ग्रुप ओ है वो सबको ब्लड दे सकता है। अब यहाँ देखिए ओ से क्या क्लिक हो रहा है, ये एक टैंक का रूप है, टैंक देखते होंगे छत पे लगाया जाता है, पानी उसमें भरा रहता है, ठीक है, तो ये टैंक का रूप है, मतलब इसमें ज़्यादा रक्त है ना, इसमें ज़्यादा क्या है, रक्त है, फील है, ज़्यादा रक्त है, टैंक का रूप है तो ज़्यादा रक्त है, मतलब ये सबको दे सकता है, ठीक है, सबको दे सकता है, मतलब ये क्या है, सर्वदाता है। अब देखिए दूसरा है सर्वग्राही, अब देखिए समझिए ए कोई आदमी है और बी भी एक कोई आदमी है, तो अगर इसको अगर रक्त देना है तो ज़्यादा रक्त लगेगा कि नहीं, ए को भी लगेगा और बी को भी लगेगा, तो इसको क्या करना होगा, सबसे इसको ग्रहण करना होगा, सबसे लेना होगा, देखिए ग्राही मतलब होता है ग्रहण, मतलब सबसे ये लेगा, सबसे लेगा मतलब सर्वग्राही, देखिए मतलब आप समझ ही गए होंगे ना, तो ए भी क्या है, सर्वग्राही है, और वो क्या है, सर्वदाता है, मतलब सबको देता है, और ए भी सबसे लेता है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, खून का थक्का नहीं जमता है, तो कौन सा रोग है जिसमें खून का थक्का नहीं जमता है, ये बताना, तो वो रोग कहलाता है हीमोफीलिया, क्या कहलाता है, हीमोफीलिया, देखिए इसमें एक वर्ड छिपा हुआ है हीम, हीमो है ना, हीम का मतलब होता है बर्फ, आप जानते होंगे हीम का मतलब क्या होता है, बर्फ। अब देखिए खून का थक्का नहीं जमता है, तो मतलब हीम ऐसा वो फील ही नहीं होता, मतलब हीम क्या, हीम ठंडा होता है, किसी भी चीज़ को जमाने के लिए उसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं ना, ठंडा, देखिए थोड़ा वर्ड होगा, ठीक है, ठंडा करते हैं, तो क्या होगा, ये हीम ही नहीं होगा, हीम फील ही नहीं होगा, तो वो ठंडा कैसे होगा, वो जमेगा कैसे, ठीक है, तो इससे आप पकड़ सकते हैं कि हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में रक्त नहीं जमता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कवकों का अध्ययन कहलाता है, अब देखिए आप यहाँ क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है, आप वर्ड पढ़ेंगे माई, बिहारी भाषा में माई को कहा जाता है माँ, ठीक है, क्या कहा जाता है, माँ, मदर, जो आप जानते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कवकों का अध्ययन कहलाता है, कवक मतलब क्या होता है, कवच, क्या होता है, कवच। अच्छा अब बताइए माँ सबके लिए क्या है, कवच का रूप ले, ले, ले,
कवच के तरह काम करती है बच्चों के लिए ना, उसे कुछ होने भी नहीं देती है। तो कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। आप यहाँ से वर्ड पकड़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि इंसुलिन शरीर में बनती है, तो कहाँ बनती है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो आंसर है अग्नाशय। ठीक है, इंसुलिन जो है अगर शरीर में ज़्यादा होती है तो वो डायबिटीज नहीं होता है। शरीर में जो रोग होता है एक डायबिटीज, अगर इंसुलिन ज़्यादा बनता है शरीर में तो डायबिटीज रोग नहीं होता है। तो क्या करता है इंसुलिन, डायबिटीज का नाश करता है। ठीक है, तो आप एक वर्ड पकड़िएगा यहाँ, नाश। नाश किसका, तो डायबिटीज का ना। तो इंसुलिन शरीर में बनती है तो अग्नाशय, नाश से पकड़ सकते हैं आप, कहाँ बनती है अग्नाशय। ठीक है, आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। आगे पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है ये आपको बताना है। तो ये है आंसर है मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, आप एक वर्ड सुने होंगे कि सिर पीटना। ठीक है, तो पीटना से आप याद क्या रखिएगा, पिट्यूटरी, और सिर मतलब मस्तिष्क। तो पिट्यूटरी मतलब पीटना, कहाँ पाया जाता है तो मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, सिर पीटना से आप याद रख सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। आगे 13 नंबर, जठर रस में पाया जाता है, तो इसको आप, इसका तो मैंने अभी नहीं बनाया है, इसको आप याद कर लीजिएगा। जठर रस जगह एक शरीर में जो पेट होता है, ठीक है, वहाँ उसके दीवारों से जठर रस निकलता है, जिसको HCl भी बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, जठर रस कहाँ पाया जाता है, जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए इसको आप याद कर लें, इसका नहीं बनाया है। ठीक है, अगर जानते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे हैं हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है, तो हीमोग्लोबिन जो है उसमें क्या पाया जाता है, तो हीमो से आप यहाँ वर्ड पकड़िएगा हीम। ठीक है, क्या हीम, और हीम मतलब क्या होता है, बर्फ होता है। क्या होता है, बर्फ। अब बर्फ देखिए, बर्फ भी ठोस होता है, आप जानते हैं ठोस, और ठोस क्या होता है, लोहा भी तो ठोस ही होता है ना, तो आप पकड़ सकते हैं इस वर्ड से क्या, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है लोहा। हीम भी ठोस होता है और लोहा भी ठोस होता है, तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो क्या है, शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन है, तो वो है स्टेपीज, जो कि कान में पाया जाता है। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे, देखिए सबसे छोटी अस्थि, अब बताइए अस्थि मतलब हड्डी होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, देखिए मतलब समझिए, ये कोई अगर एक हड्डी है, ठीक है, तो अगर सबसे छोटी, छोटी मीन सबसे छोटी बनाना है इस तरह, मतलब क्या करना है, इसका पीस पीस में करना है। तो आप यहाँ से वर्ड क्या देखिएगा, पीस, सबसे छोटी हड्डी मतलब पीस में होगा ना, तो स्टेपीज, तो आप इससे पकड़ सकते हैं, जो कि कान में पाया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, तो किसको कहते हैं, तो कहते हैं एड्रिनल हार्मोन को कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक वर्ड आप पढ़े होंगे, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। ठीक है, अब बताइए जल ही जीवन है, जल कहाँ से निकलता है, तो नल से निकलता है, आप जानते हैं ना, जल कहाँ से निकलता है, नल से। तो एड्रिनल में आप वर्ड पकड़िएगा नल। जीवन रक्षक हार्मोन है, तो जल ही जीवन है, जल कहाँ से निकलता है, नल से, तो आप ये पकड़ सकते हैं, क्या होगा आंसर, एड्रिनल हार्मोन। आगे चलते हैं। आत्महत्या की थैली कहलाता है, अच्छा कौन सा कहलाता है, इसका आंसर है लाइसोसोम। अच्छा आत्महत्या मतलब क्या होता है, आत्महत्या मतलब होता है मरना, मरना मीन्स डाई। ठीक है, डाई से आप वर्ड बनाइएगा लाई, क्या बनाइएगा लाई, और यहाँ जैसे आप ऑप्शन देखिएगा तो उसमें आपको लाई नज़र आएगा, लाइसोसोम। तो आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम, आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, यूरिया कहाँ पाया जाता है, तो मूत्र में, और मूत्र को इंग्लिश में हम देखिए कहते हैं यूरिन भी कहते हैं, यूरिन भी कहते हैं। ठीक है, तो यूरिया से आप वर्ड पकड़िएगा यूरिन, यूरिन को क्या कहते हैं, मूत्र कहते हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। चलिए ये क्वेश्चन भी आप समझ ही गए होंगे। आगे है सबसे लंबा कृमि है,
सबसे लंबा कृमि, कृमि को वर्म भी कहते हैं, क्या है? ठीक है, तो देखिए आंसर है टेप वर्म। टेप आप पढ़े होंगे क्या होता है, टेप घर में होता है, टेप क्या होता है, सेल्लो टेप, जिससे कुछ भी चीज़ साटते हैं। ठीक है, अब जब उसको खोलिएगा क्या होता है, वो लंबा होते जाता है, मतलब बहुत सारा निकलते जाता है, लंबा 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 होता है ना, तो सबसे लंबा कृमि होता है टेप वर्म। मतलब आप टेप वर्ड वहाँ देखिएगा तो आप इसको क्लिक हो जाएगा माइंड में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आम पपीता तथा बैर के खाने योग्य भाग हैं। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन होता है तो आज कन्फ्यूजन हम दूर करते हैं। देखिए आम पपीता बैर, देखिए कुछ भी हम लेते हैं, आम किस टाइप का रहता है, इस टाइप का आम बना होता है। ठीक है, अच्छा बीच में क्या होता है आम का, गुठली होता है। ठीक है, और बाहर क्या होता है, बाहर छिलका होता है, ये कितना सा हम खाते, कौन सा भाग है, ये वाला बीच वाला मध्य में। ठीक है, तो मध्य से आप याद रखिएगा मध्य फल। पपीता में उसी तरह होता है, बीज का खाते हैं, छिलका नहीं खाते हैं, अंदर का बीज नहीं खाते हैं। बैर में भी उसी तरह होता है, तो आम पपीता तथा बैर के खाने योग्य भाग हैं मध्य फल व्यक्ति। आशा करता हूँ ये सारे 20 क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे, और इसी तरह रोज़ मैं 20-20 क्वेश्चन का सीरीज लाऊँगा, जिससे आने वाले रेलवे एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। और ये क्वेश्चन पर आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और मैंने शुरू में बताया कि रेलवे हर बार अपना क्वेश्चन रिपीट करता है, और 90% बच्चों आने की चांसेस का, तो ठीक है। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।